चकेरी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोरों ने 3 लाख की चोरी को दिया अंजाम। कानपुर के लाल बंगला में आज सुबह सवेरे लगभग 4 बजे के आसपास चोरों ने एक मेडिकल स्टोर के शटर को उचकाकर 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। सुबह आसपास के लोगों की नजर शटर पर पड़ी तो दुकान मालिक को और पुलिस को घटना की जानकारी देकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उनके अनुसार 2021 से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। कल रात 11 बजे दुकान बंद करके वो घर चले गए। सुबह पड़ोसियों की सूचना से उन्हें घटना की जानकारी मिले। फिलहाल अभी तक दुकान से 2.5 से 3 लाख की चोरी की बात सामने आई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपने स्तर से जांच करने की बात कह रही है। सुबह 4:30 से लेकर और 7 बजे के बीच में दुकान हमारे यहाँ 7 बजे खुलती है, तो हमारे यहाँ आशीष जी आते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर शटर टूटा हुआ है। हम लोगों ने और जो संजय मेहरोत्रा यहाँ के चेयरमैन हैं, कानपुर व्यापार एसोसिएशन की दुकान है, उनको हम लोगों ने इंतला करी। सब लोग आए, पुलिस को पूरी पुलिस को बुला के एसओ साहब आए यहाँ पर। आने के बाद उन्होंने घटना देखी। तो दुकान जब बंद होती है तो कोई यहाँ पर रहता नहीं है? कोई गार्ड नहीं कोई गार्ड नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पर कितने की चोरी हुई है? लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। ये कितने समय से दुकान है आप? 6 मार्च 2021 से है। किस की दुकान है? मेडिकल स्टोर है। किस तरीके से चोरी घटना को अंजाम दिया? साबड़ तोड़ करके शटर लगा हुआ है इस पर। शटर तोड़ के अंदर आए। कहाँ से आने का रास्ता? कहीं से आने का रास्ता के लड़े लेट करके आए हैं यहाँ से, क्योंकि शटर थोड़ा सा उठा था, बीच में शटर टूटा हुआ है, वहीं से अंदर आकर एक लड़का अंदर आया। पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी पहचान नहीं हुई है, लेकिन हमारे सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कह रही है कि हमने थोड़ी सी टीम के बाद जांच करी आकर के, और FIR लिखा दी गई है। अब वो घटना को अपने हिसाब से देखेंगे। किस नाम से दुकान आ रहा है? शक्ति मेडिकल एंड जनरल स्टोर। हाँ, वहाँ पे लाल बंगला क्षेत्र में हुई चोरी, मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई, एसीपी को मैंने मौके पर सर्विलांस के माध्यम से जो कैमरे लगे हैं वो हम लोग पूरे सर्च कर रहे हैं। उसमें कुछ पिक भी आई है जो बहुत क्लियर है, उसके आधार पर हमारी टीम लगी हुई है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसका डिटेल, अभी उन्होंने नहीं दिया है डिटेल, जैसे मिलेगी अब। नहीं, हुई है घटनाएँ, हुई है घटनाएँ, वर्कआउट भी हुई है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं पूरी।